हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का वीडियो भी रोज की तरह बहुत खास और स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको मटेरियल का क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा। बहुत इनके घर में कास्टिंग वगैरह होता है, छत का ढलाई होगा, कॉलम का कास्टिंग हो गया या किसी भी चीज़ का कास्टिंग हो गया, तो उसमें कॉन्क्रीट लगती है और कॉन्क्रीट बनता है हमारा पत्थर से, बालू से, पानी से और सीमेंट से। तो इन सब का मटेरियल आप कैसे निकालोगे खुद से, वो सब आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ ही आज का वीडियो स्पेशल ज़्यादा ही कुछ है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सीमेंट निकालना तो जरूर सिखाऊंगा। अगर आपका छत का ढलाई वगैरह है, कॉन्क्रीटिंग है या आपके साइड पर कोई कास्टिंग होने वाली है, तो मैं कॉन्क्रीट का जो अंदर जो भी मटेरियल लगता है वो सब का क्वांटिटी तो निकालूंगा ही, लेकिन चार चार तरीके से निकालना सिखाऊंगा। मान लीजिए अगर सीमेंट आपको बता रहा हूँ, तो सीमेंट आपको क्यूबिक मीटर में, केजी में, बैग्स में, सीएफटी में यानी कि क्यूबिक फीट में। उसी तरीके से अगर आप सैंड निकाल रहे हो तो क्यूबिक मीटर, केजी, सीएफटी में, इन सब में कैसे निकालते हैं, साथ में अग्रीगेट, वाटर, ये सभी चीज को अलग अलग यूनिट में निकालना सिखाऊंगा, ताकि अगर आपका कोई सीनियर या साइड पे कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी भी यूनिट में आपको निकालना हो, वो सब आप खुद से निकाल सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, उस सवाल का पहले जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एज पर IS कोड 13920/2016 के हिसाब से स्टीरअप्स में जो हुक प्रोवाइड किया जाता है, उस हुक का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए। तो ये न्यू अमेंडमेंट होकर 13920 का अगर क्लॉज नंबर आप 3.9 में देखोगे तो आपको दिख जाएगा, इसका आंसर होगा एक्चुअल में 6D। पहले 10D हुआ करता था, लेकिन अब ये 6D आंसर होगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस वीडियो को भी आप पूरा देखिए, वीडियो में से ही कहीं से उठा के एक सवाल मैं आपसे इस वीडियो के लास्ट में पूछने वाला हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। तो वीडियो को बिना पलंग झपकाए हर एक सेकेंड को एकदम बारीकी से देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सब चीज़। तो हर एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ में आप भी करते जाइएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है, BBS का हो गया, IS कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, हम लोग आज मटेरियल का क्वांटिटी निकालने वाले हैं एक स्लैब में। मान लीजिए एक स्लैब है, मान लीजिए आपका एक स्लैब कास्टिंग होने वाला है, ठीक है, और ये स्लैब का टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, मान लीजिए 10 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, 10 क्यूबिक मीटर, यानी कि इसमें टोटल जो कॉन्क्रीट लगेगा वो कॉन्क्रीट कितना लगेगा हमारा, वो लगेगा आपका 10 क्यूबिक मीटर, ठीक है। पहले हड़बड़ मत करना, पहले समझ लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले आपका कॉन्क्रीट जो कास्टिंग होने वाला है स्लैब में, टोटल आपका 10 क्यूबिक मीटर लगना है। अब उस 10 क्यूबिक मीटर में आपका कितना सीमेंट, कितना केजी सीमेंट लगेगा, कितना केजी बालू लगेगा, कितना केजी आपका पत्थर लगेगा, पानी कितना लगेगा, ये अलग अलग यूनिट में मैं निकालना है, यहाँ पे आपको सिखाऊंगा एकदम डिटेल में, ठीक है, फ्रॉम वेरी स्क्रैच। बच्चा भी सीख जाएगा अगर वीडियो को देखोगे तो, ठीक है। इससे पहले भी मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें बहुत कुछ एडवांस चीज मैं आपको जोड़ने वाला हूँ जो आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो 10 क्यूबिक मीटर टोटल आपका स्लैब का जो वॉल्यूम है वो निकला है, लेकिन हम यहाँ पे 10 क्यूबिक मीटर के लिए नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालेंगे। जो भी मटेरियल आपका आएगा, ठीक है, उसको आप 10 से गुना कर देना। 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, उसको आप 10 क्यूबिक मीटर के लिए निकाल लेना, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो देख लो, मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो छत का जो ढलाई होने वाला है वो कौन से ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट से होगा, वो M25 से होने वाला है। हम यहाँ पे मिक्स डिजाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉमिनल रेशियो जानते हैं, M25 का कितना होता है 1:1:2, इसी के हिसाब से हम लोग सारा कैलकुलेशन आज करने वाले हैं। अगर आपको मिक्स डिजाइन सीखना है एकदम डिटेल में एज पर IS कोड, एक एक पॉइंट IS कोड का क्लॉज से ले जाके, तो मेरा ये वीडियो आप जरूर देखिए। इस वीडियो में पूरा सब चीज एकदम डिटेल में आप लोग को बताया हुआ है, और बहुत ज्यादा आप लोग के द्वारा पसंद भी किया गया है। मिक्स डिजाइन पे मैंने अभी से 3-4 साल पहले वीडियो बनाया था, जिसपे पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज है, लेकिन
IAS कोड में बहुत सारे अमेंडमेंट होकर बहुत कुछ चेंजेस हुई है, उसको चेंज करके मैंने वापस एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया है जो कि एक घंटे का है। पहले मैं बता दे रहा हूँ एक घंटे का है, लेकिन बहुत डिटेल में है और सभी चीज IAS कोड के अकॉर्डिंग ही बताया गया है, ग्राफ से लेकर सब चीज। उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिएगा, आई बटन में लिंक भी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो छत का ढलाई करेंगे उसमें जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज करने वाले हैं वो M25 करने वाले हैं, और उस M25 का जो नॉमिनल मिक्स रेशियो होता है वो कितना होता है 1:1:2। अब हम लोग यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट पकड़े हैं वो 1 क्यूबिक मीटर पकड़ के हम लोग चल रहे हैं, 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम क्वांटिटी को निकाल लेंगे। अगर आपको 5 क्यूबिक मीटर चाहिए तो 5 से गुना करके सब क्वांटिटी निकाल लेना, 10 क्यूबिक मीटर के लिए चाहिए तो 10 से गुना करके आप सब चीज निकाल लेना। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट 1 क्यूबिक मीटर। अब इसी 1 क्यूबिक मीटर को लेकर हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे एक समझने वाला चीज है जो मैं आगे बताऊंगा। पहले समझ लीजिए M25 में हमारा जो रेशियो होता है 1:1:2, जहाँ पे 1 सबसे पहला जो 1 है वो क्या है हमारा रेशियो ऑफ सीमेंट, उसके बाद वाला जो 1 है वो क्या है हमारा रेशियो ऑफ सैंड, और 2 जो है रेशियो ऑफ एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। ठीक है, सबसे पहला वाला सीमेंट होता है, दूसरा वाला सैंड होता है, और तीसरा वाला हमारा एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट हमारा 20 mm 10 mm से अगर आप ग्रेडिंग करके करते हो तो इसको क्या करना, आप 60-40% ले लेना, 60% by 40%। इसमें 60% आपका कौन सा है 20 mm और 40% आपका कौन सा है 10 mm। अब देखिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट पकड़े हुए हैं 1 क्यूबिक मीटर, वो क्या है हमारा वेट वॉल्यूम है, यानी कि जब आप कॉन्क्रीट में मतलब मान लीजिए आपके साइड पे जब मिलर आती है तो वो कौन सा वॉल्यूम हो गया, वो वेट वॉल्यूम हो गया, क्योंकि उसमें पानी बालू वालू सब मिक्स किया हुआ है, बस आपको ढाल देना है। समझ गया? तो वो निकलता है हमारा वेट वॉल्यूम। लेकिन जब आप क्वांटिटी को ही निकालते हो, जैसे सीमेंट निकाल रहे हो, सैंड निकाल रहे हो, तो आप ड्राई कंडीशन में उसको निकाल रहे हो, इसलिए हम लोग को कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वेट वॉल्यूम को ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 54% बढ़ा देना पड़ता है वेट वॉल्यूम को। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, हमारा जो ड्राई वॉल्यूम होगा ना वो ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही पानी डालेंगे उसमें सैंड डालेंगे तो जो पोर्स वगैरह जो वॉइड्स वगैरह है वो सब फिलअप हो जाता है, और फिलअप होकर वो श्रिंक करता है, श्रिंक करके कम जाता है। कितना कम जाता है, 54% कम जाता है। समझ में आ गया? हम लोग साइड पे ड्राइंग से लेके देखना, हम लोग बीम का या स्लैब का हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम निकालते हैं। 2 मीटर लंबा बीम है, डेप्थ 450 है, और मान लीजिए विथ 200 है, तो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं ना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, वो क्या निकलता है, वो ऑलवेज आपका वेट वॉल्यूम निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? और जब उसमें मटेरियल आप निकालने जाओगे तो आपको क्या करना होगा, उस वेट वॉल्यूम को 1.54 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 54% बढ़ा देना होगा आपको, 54% बढ़ा के अब वो आपका क्या हुआ ड्राई वॉल्यूम निकल गया। अब उसको लेके हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर ये सब निकालेंगे। तो देखिए वेट वॉल्यूम आपका 1 क्यूबिक मीटर है। अब ड्राई वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वेट वॉल्यूम जो है वो तो रहेगा ही, प्लस इसका और 54% हम लोग बढ़ा देंगे, तो 54% ऑफ वेट वॉल्यूम डब्ल्यू भी है, ठीक है वेट वॉल्यूम, तो 1+54/100 हो गया परसेंटेज का इनटू 1, वेट वॉल्यूम कितना है मेरा 1, वही 1 बताएंगे, कैलकुलेट कीजिएगा 1.54 आ जाएगा। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मेरा कितना निकल गया 1.54 क्यूबिक मीटर। अब इस क्यूबिक मीटर को लेके हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट निकालेंगे, सैंड निकालेंगे, एग्रीगेट निकालेंगे, और जो हमारा आएगा ना और जो पानी आएगा उन सबको जब मिक्स करेंगे तो जो कॉन्क्रीट हमारा बनेगा वो एक्चुअल में 1 क्यूबिक मीटर ही बनेगा। हम लोग निकालेंगे हिसाब करके इसका, लेकिन जब पानी वानी मिक्स करके जब लोग इसको बना देंगे तो श्रिंक कर जाता है, सारा वर्ड फिलअप हो जाता है, तो कॉन्क्रीट हमको कितना देगा, सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर ही देगा। क्लियर हो गया ना यहाँ पे? तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग जो भी कैलकुलेट करने वाले हैं इस 1.54 को लेके ही करने वाले हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब ये 1 क्यूबिक मीटर का बात ही नहीं आता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग सीमेंट निकाल लेते हैं। सीमेंट को निकालने से पहले सबसे पहले हमारा एक यहाँ पे काम है, सम ऑफ रेशियो निकाल के रख लेना, ठीक है। सम ऑफ रेशियो क्या, किसका रेशियो, M25 का जो रेशियो था सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, इस रेशियो को ऐड करना है, मतलब 1+1+2 कितना होगा 2, 3, 1, 4, टोटल 4 होगा ना, वही लिखा है मैंने। देखिए सम ऑफ रेशियो क्या होगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, 1+1+2=4, ये निकाल के हम लोग रख लिए। अब सीमेंट को सबसे पहले हम लोग क्यूबिक मीटर में निकालेंगे। क्यूबिक मीटर में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी, डीवी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ड्राई वॉल्यूम है, ठीक है ड्राई वॉल्यूम, ये वाला ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट 1.54 वहाँ पे लिखना है। तो ड्राई वॉल्यूम इनटू
रेशियो ऑफ सीमेंट बाई सम ऑफ रेशियो, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका क्यूबिक मीटर का, निकल जाएगा सीमेंट आपका। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.54 वहां पे लिखा हुआ है। रेशियो ऑफ सीमेंट मेरा कितना है, रेशियो ऑफ सीमेंट 1, वही देखिए 1 बैठाया है, बाई सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो भी हमने निकाला है 4, वही 4 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करना 0.385 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो सीमेंट मेरा कितना क्यूबिक मीटर लगेगा, 0.385 क्यूबिक मीटर। क्लियर हो गया। अब सीमेंट को हम लोग केजी में निकालेंगे यहाँ पे। तो केजी में निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, जो क्यूबिक मीटर में आपने निकाला ना वो पूरा चीज तो यहाँ पे रहेगा ही। अब जब क्यूबिक मीटर में आप निकाल लोगे, क्यूबिक मीटर को अगर आप डेंसिटी ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो आंसर आता है वो केजी में आता है। देखिए सेम फॉर्मूला मैंने लिखा है, डी ड्राई वॉल्यूम रेशियो ऑफ सीमेंट बाई सम ऑफ रेशियो, देखिए सेम यहाँ पे लिखा है। तो मतलब इतना जो आंसर देता वो क्या देता आपका क्यूबिक मीटर में देता है ये वाला, ठीक है पार्ट। क्यूबिक मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो डेंसिटी ऑफ सीमेंट से, जो कि हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है 1440, ये वाला ठीक है 1440, ये इसका यूनिट होता है केजी पर एम क्यूब, 1440 केजी पर एम क्यूब। तो इसमें बैठा दीजिए, ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.54, रेशियो ऑफ सीमेंट 1, सम ऑफ रेशियो बाई 4 और डेंसिटी ऑफ सीमेंट इंटू 1440, कैलकुलेट कीजिएगा 554.4 केजी। तो हमारा सीमेंट कितना निकल गया, कितना केजी निकला 554.4 केजी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है आप लोग से, ये हम लोग जो कर रहे हैं ये नॉमिनल मिक्स है, मतलब जो रेशियो दिया गया है इसी के हिसाब से निकाल देंगे। सीमेंट देखिए कितना ज्यादा आ गया है, लगभग 11 बैग के आसपास आपका आ गया है, ठीक है 50 केजी का अगर बोरा मान ले तो 11 केजी आपका, 11 बैग तो आ ही गया ना यहाँ पे। तो एक्चुअल में जब हम लोग साइड पे मिक्स करते हैं तो 11 बैग मिक्स नहीं करते हैं हम लोग 9 बैग बहुत होगा तो मिक्स कर देते हैं, ठीक है उससे ज्यादा हम लोग नहीं जाते हैं। क्योंकि आईएस कोड का 456 अगर आप चेक करोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि जब भी सीमेंट का क्वांटिटी है ना वो 450 किलो से ज्यादा नहीं लेना चाहिए हम लोग को। समझ में आया कि श्रिंकेज का ये सबका प्रॉब्लम आता है, इसलिए कभी भी हम लोग इतना नहीं लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। समझ में आया ना। तो जो ये जो सीमेंट इतना ज्यादा आ गया ना, इस सब चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं। मिक्स डिजाइन करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा, वहाँ पे बहुत कुछ हम लोग को फैक्टर सब चेक करना पड़ता है, लिमिटेशन है कुछ कि इससे ज्यादा नहीं लेना है हम लोग को सीमेंट, ये सब हम लोग को देखना है। तो उसी चीज को देखने के लिए आपको मिक्स डिजाइन वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए मेरा, दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो हमारा सीमेंट निकल गया केजी में। अब सीमेंट को हम लोग बैग्स में निकाल लेते हैं। बैग्स में निकालने कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक बैग का जो वेट होता है वो 50 केजी होता है, ठीक है जो मास होता है एक बैग का वो कितना होता है 50 केजी होता है। तो टोटल कितना केजी हमारा है 554.4, इसको अगर 50 से डिवाइड कर दोगे तो आपका बैग निकल जाएगा। तो टोटल बैग कितना है 11.1 बैग्स। समझ में आ गया, हम लोग बैग्स में निकालना भी सीख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग सीमेंट निकालना सीखेंगे सीएफटी में। तो सीएफटी में यानी कि क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इनटू वॉल्यूम ऑफ वन बैग इन सीएफटी, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ सीमेंट बैग पता है और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सीमेंट का एक बैग का वॉल्यूम अगर सीएफटी में आपको पता है तो, ठीक है तो मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो सीएफटी में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग अभी हमने निकाला 11.1, वही मैंने यहाँ पे पुट किया है। और वॉल्यूम ऑफ वन बैग इन सीएफटी आपका होता है 1.226। अगर आपको नहीं पता कि 1.226 कहाँ से आता है, कैसे डिराइव होके आता है, तो मेरा ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। इससे मैंने डिटेल में आप लोग को डिराइव करके दिखा दिया है कि ये 1.226 कहाँ से होके आता है, कहाँ से हम लोग को मिलता है, ठीक है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको जरूर देखिएगा। तो हमारा सीएफटी में सीमेंट कितना निकल गया 13.61 सीएफटी। क्लियर हो गया, सीमेंट का पार्ट पूरा खत्म। तो चलिए सैंड सबसे पहले हम लोग क्यूबिक मीटर में निकालते हैं। सेम फॉर्मूला यही वाला होगा, बस सीमेंट की जगह क्या होगा कि सैंड हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम मैंने बैठाया है 1.54 इनटू रेशियो ऑफ सीमेंट था, अब यहाँ पे रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ सैंड कितना है 1, बैठा दो 1 बाई सम ऑफ रेशियो 4, इसको कर दोगे तो आपका क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो सैंड कितना क्यूबिक मीटर है 0.385 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब सैंड को केजी में निकालते हैं। तो यहाँ भी सेम, अभी मैंने आपको बताया ना कि क्यूबिक मीटर में अगर आपको पता है, अगर आपको कोई चीज़ केजी में निकालना है और आपको क्यूबिक मीटर पता है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या होगा वो केजी में निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्यूबिक मीटर वाला ही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इतना, ठीक है, इनटू 1450 कर दिया है। यहाँ पे मैंने सैंड का जो डेंसिटी है ना वो पकड़ा हुआ है 1450 केजी पर एम क्यूब,
ठीक है, ये एक्चुअली वेरी करता है, हम लोग को ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि एक्चुअल डेंसिटी क्या है सैंड का हमारे साइट पे। तो जनरली ये रेंज करता है आपका 1450 से लेके 1500, 1550, 1400, ऐसे जैसा टाइप का सैंड रहेगा वैसा वो उसका डेंसिटी रहता है। तो 1450 केजी पर क्यूबिक मीटर मैं पकड़ के इसको किया हूँ, तो ये यहाँ पे पुट कर दिया डेंस, जैसे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सीमेंट था ना, तो यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ सैंड का वैल्यू पुट किया है। कैलकुलेट करोगे तो 558.25 केजी आ जाएगा। तो कितना केजी सैंड हमारा लग रहा है, इतना केजी लगेगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे है हम लोग सीएफटी में निकालेंगे, तो सीएफटी में निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, ड्राई वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ सैंड बाय सम ऑफ रेशियो। अगर ये इतना निकालते हैं तो क्या निकल रहा है, मेरा क्यूबिक मीटर वाला निकल रहा है वैल्यू। देखिए क्यूबिक मीटर में सेम फॉर्मूला था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, 1.54 × 1/4 इतना, ठीक है, इतना अगर कर दोगे तो। अब क्यूबिक मीटर को हम लोग एक यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन जानते हैं, क्या यूनिट कन्वर्शन, 1 क्यूबिक मीटर में हमारा होता है 35.3147 CFT। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, 35.3147 पुट किया है। मतलब अगर आप ड्राई वॉल्यूम इनटू ये पार्ट करते तो क्यूबिक मीटर में आता, क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सीएफटी में, तो सीएफटी में कन्वर्ट करने के लिए ये फैक्टर यूज कीजिए 35.3147। वही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला देख लेना, इसको वैल्यू पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 13.6 CFT। तो सैंड कितना सीएफटी चाहिए हमको, 13.6 CFT। अगर ये आपको दिक्कत हो रही है तो सैंड को सीएफटी में निकालने का एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है, बहुत ही सिंपल है ऑल्टरनेटिव। देखिए मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मतलब एक और तरीका, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, इसमें आपको सीमेंट का जो बैग है ना 11.1 ये पता होना चाहिए, तब आप ये निकाल पाओगे इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग इंटू रेशियो ऑफ सैंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग अभी मैंने निकाला था 11.1, यहाँ से आ गया, देखिए ये 11.1 पुट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग्स अभी मैंने यहाँ पे पुट किया था, वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग्स इन सीएफटी 1.226 कैसे आएगा, मैंने बताया आपको कि मेरा वीडियो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पता चल जाएगा कि 1.226 सीएफटी कहाँ से आता है, उस वीडियो को देखने से आपका क्लियर हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे 1.226 सीएफटी बैठाया है इनटू रेशियो ऑफ सैंड, रेशियो ऑफ सैंड मेरा कितना है यहाँ पे 1, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे 1 बैठा दिया है, इज इक्वल टू करोगे तो 13.6 CFT। अब देखिए सीएफटी मैंने इस फॉर्मूला से निकाला था तो कितना आया था, 13.6 CFT, और ऑल्टरनेटिव मेथड से निकाला तो भी 13.6 CFT, यानी कि आंसर सेम देने वाला है, जो आपको लगे सही आप उससे निकाल लीजिए मैथ। तो हमारा सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, अब हम लोग एग्रीगेट निकालेंगे और वाटर निकालेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे ये पार्ट मिटाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आएगा नहीं, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एग्रीगेट, ठीक है, अब एग्रीगेट निकालेंगे यानी कि पत्थर, जो हमारा पत्थर लग रहा है कॉन्क्रीट के अंदर में। तो एग्रीगेट सबसे पहले क्यूबिक मीटर में देख लेते हैं, फॉर्मूला पूरा सेम है, ड्राई वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट हो जाएगा, जहाँ पे सीमेंट सैंड हो रहा था अब एग्रीगेट हो जाएगा, बाई सम ऑफ रेशियो। तो ड्राई वॉल्यूम मेरा कितना है, ये 1.54 था, बैठा दिया 1.54 इनटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट मेरा कितना है, रेशियो ऑफ एग्रीगेट मेरा 2 था, तो 2/4 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 0.77 क्यूबिक मीटर। अब केजी में निकालेंगे, केजी में कैसे निकलता है, क्यूबिक मीटर वाला ही वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे डेंसिटी ऑफ उस मटेरियल से, मतलब डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट से, तो आपका जो आंसर आएगा वो केजी में आ जाएगा। देखिए यही वाला सेम चीज, ये सेम चीज ही मैंने यहाँ पे लिखा है, 1.54 इंटू 2/4, यानी कि सेम फॉर्मूला ये वाला, इंटू 1500 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आंसर आएगा 1155 kg। यहाँ पे मैंने डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट यानी कि पत्थर जो लिया है वो 1550 kg पर एम क्यूब लिया है, एक्सपेरिमेंट से ये निकलेगा एक्चुअल आपका साइट पे कितना होने वाला है। तो जनरली जान लीजिए ये 1500 से लेके 1600 kg पर एम क्यूब तक रहता है, उसी के बीच में वैरी करता है। तो आपका केजी में निकल गया एग्रीगेट कितना, 1155 kg। अब ये 1155 kg में आपका 20 mm भी है और 10 mm भी है, तो आप क्या कीजिएगा, ये 1155 जो है, 1155 इसका आपको क्या करना है, 60% ले लेना है 20 mm के लिए, और इसी का आपको 40% ले लेना पड़ेगा 10 mm के लिए, अगर आप अलग अलग ग्रेड का एग्रीगेट से कास्टिंग करवा रहे हो तो। तो हमारा केजी में निकल गया, आप सीएफटी में निकाल लेते हैं एग्रीगेट का, जो क्यूबिक मीटर वाला वैल्यू था उसी को आप मल्टीप्लाई करोगे 35.3147 से, जो हमारा फैक्टर है क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करता है सीएफटी में, कौन सा फैक्टर है, 35.3147। तो देख लीजिए सीएफटी में निकालने के लिए सेम यही वाला फॉर्मूला क्यूबिक मीटर वाला यहाँ बैठा है, इनटू 35.3147 क्यूबिक मीटर से कन्वर्ट किया हम लोग सीएफटी में, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए 27.2 CFT। अभी मैंने जो सैंड निकाला था उसमें मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला दिखाया था निकालने का सीएफटी को, यहाँ भी सेम फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो चाहो तो। फॉर्मूला क्या है, एक और तरीका यहाँ पे निकालने का,
अगर आप एग्रीगेट निकालना चाहते हो सीएफटी में ही, तो देखते हैं सेम आंसर ये वाला आता है कि नहीं। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सीमेंट बैग, यहाँ भी आपको सीमेंट का बैग जो है ना उसका नंबर आपको पता होना चाहिए। हम लोग निकाला था 11.1 बैग निकाला था, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग्स इन सीएफटी, एक बैग सीमेंट का आपको वॉल्यूम पता होना होगा सीएफटी में, जो कि होता है हमारा 1.226 सीएफटी। मैंने आपको बार बार बोला ये कहाँ से आया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको जाकर देखिएगा। इनटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट, रेशियो ऑफ एग्रीगेट में कितना है दो, ठीक है दो वो बैठा दीजिए। तो 11.1 इनटू 1.226 इनटू 2 करोगे 27.2, देखिए दोनों सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए सेम आ गया, मतलब जो फॉर्मूला आप ले सकते हो उसी से आप निकाल सकते हो। तो हमारा निकल गया एग्रीगेट भी पूरा, ठीक है। अब वाटर को निकाल लेते हैं। वाटर निकालने के लिए आपको वाटर सीमेंट रेशियो पता होना होगा, ठीक है। अगर आप IS-456 देखते हो तो M25 के लिए मॉडरेट कंडीशन के लिए जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो आप ले सकते हो वो है आपका 0.5, लेकिन वो ज्यादा हो जा रहा है इसलिए मैं उतना नहीं ले रहा हूँ, वो मैक्सिमम है, ठीक है, उसके कम ही आपको लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 0.45 पकड़ के यहाँ पे चल रहा हूँ। तो वाटर बाय सीमेंट अगर हम लोग लिखे, वाटर सीमेंट रेशियो मेरा कितना है 0.45, तो वाटर सीमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वाटर बाय सीमेंट इज इक्वल टू 0.45। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाटर को यहाँ पे रखना है, सीमेंट क्या होगा इधर चला जाएगा, तो वाटर को निकालना होगा 0.45 इंटू सीमेंट इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया इसका, ठीक है, सीमेंट इन केजी। तो 0.45 सीमेंट इन केजी हम लोग निकाले थे एकदम शुरू में, कितना आया था मेरा 554.4 केजी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 249.4 केजी आपका वाटर आ जाएगा। इतना केजी वाटर बोलो या इतना लीटर बोलो, ठीक है, उसके ऊपर आपके ऊपर है, क्योंकि पीने लायक पानी से ही हम लोग को ये कास्टिंग करनी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ही होगा, इसलिए इसको आप लीटर भी बोल सकते हो। ये हो गया हमारा वाटर, तो हमारा सीमेंट निकल गया, सैंड निकल गया, एग्रीगेट निकल गया, वाटर भी निकल गया, सारा चीज निकल गया। इस तरीके से आप भी इस वीडियो की मदद से अपने घर के लिए, अपने छत के लिए आप मटेरियल का क्वांटिटी खुद से निकाल सकते हो और उसी के हिसाब से आप क्वांटिटी मंगवा सकते हो। उस पर आप वेस्टेज को जरूर कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई वेस्टेज कंसिडर नहीं है, समझ में आ गया। अब ये जो मेरा सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर सब निकला है ना, ये सब जो इतना इतना क्वांटिटी अगर आप मिलाते हो, हम लोग कॉन्क्रीट वॉल्यूम कितना लेके कर रहे थे 1.5 क्यूबिक मीटर ना, लेकिन जब पानी वानी सब मिला के आप कर दोगे तो वो जो कॉन्क्रीट आपको देगा वो 1 क्यूबिक मीटर का वैल्यू देगा। अब आपका कितना है 5 क्यूबिक मीटर, 6 क्यूबिक मीटर, जितना भी क्यूबिक मीटर है आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने हिसाब से, वो उतना क्यूबिक मीटर के लिए बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये नॉमिनल मिक्स था, अगर आपको मिक्स डिजाइन डिटेल में सीखना है जैसे हम लोग का साइट पे होता है एकदम वही चीज, दो पार्ट में है, एक एसएसडी कंडीशन में है सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन जब नॉर्मल होता है, और एक मॉइस्चर कंडीशन जब बारिश वारिश हो जाती है तो बालू में तो एग्रीगेट में पानी चला जाता है तो वाटर करेक्शन करना पड़ता है। वो दोनों वीडियो मेरा अभी देखिए, मैं बोलता हूँ आप नहीं सीख पाओगे ऐसा हो नहीं सकता, बच्चा बच्चा भी समझ जाएगा, इतना डिटेल में मैंने IAS कोड में ले जाके हर एक क्लॉज को समझाया है इसमें। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा मिक्स डिजाइन सीखने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है यहाँ से उसको देख लेते हैं। आज का सवाल है आप लोग के लिए कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा अगर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M25 है और जो एक्सपोजर कंडीशन है वो मॉडरेट है एज पर IAS कोड 456-2000। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 0.40, 0.45, 0.50, 0.55। तो जिसे भी इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जाके इसका जवाब आप जरूर दीजिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। तो गाइज वीडियो का क्या करना है, आपको शेयर करना है, शेयर कीजिएगा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, इससे भी मेरा मनोबल बढ़ता है। और मुझे आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे शॉर्ट्स बना के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे डालता रहता हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्विज भी लेता रहता हूँ वहाँ पे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सभी चीज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।